ओके, तो सबसे पहला सवाल हसन की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल है, क्या रोमन रेंस वापस आकर सोलो सिकोवा से मैच हार जाने वाला है? साथ ही साथ क्या रोमन रेंस जॉन सीना जैसे रेसलर बन जाने वाला, जो कि आने के बाद सारे ही मैचेस सिर्फ हारते ही जाए? तो भाई देखो, मैं आपको बताता हूँ भाई, रोमन रेंस का जो पर्सनालिटी है जॉन सीना के पर्सनालिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। आज का नहीं बात कर रहा हूँ, जॉन सीना जब अपने कैरियर के प्राइम में थे, मतलब उस टाइम पर भी बहुत सारे मैच जॉन सीना हारते थे। मेरे ख्याल से जितने भी रेसलर उस टाइम के हुए होंगे भाई, सारे रेसलर ने जॉन सीना को हराया था बहुत क्लियर तरीके से। यार जॉन सीना का पर्सनालिटी बहुत सिंपल था, वो हारते थे मैच, उसके बाद फिर से वो मतलब खड़े हो जाते थे। अगर हम लोग रोमन रेंस का बात करें तो भाई रोमन रेंस या फिर ब्रॉक लेसनर का ऐसा पर्सनालिटी कभी रहा ही नहीं। अगर आपको नहीं पता तो भाई रोमन रेंस को पिछले 10 साल में सिर्फ 5 या 6 रेसलर भाई रोमन रेंस को क्लियर तरीके से हराए। डेफिनेटली भाई रोमन रेंस आने वाला टाइम में मैचेज हारेंगे, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर भाई वो जॉन सीना जैसा हारने नहीं वाले। जॉन सीना तो भाई करंट टाइम बिल्कुल हद कर दिए, लगातार 7 साल से जॉन सीना हर एक मैचेज हारते जा रहे हैं। सबसे पहले भाई रोमन रेंस अगले 7 साल तक कम्पीट नहीं करने वाला, रोमन रेंस इतने सारे मैचेज हारेंगे भी नहीं, कम्पीट भी नहीं करेंगे। बड़े बड़े जो रेसलर रहेंगे उससे मतलब रोमन रेंस हार सकते हैं, जैसे ब्रॉक लेसनर हारे थे कोडी रोड से, क्योंकि कोडी रोड से एक बहुत बड़ा नाम था। उसी तरीके से रोमन रेंस भी हारेंगे सोलो सिकोवा से, पर भाई वो करेंट टाइम में भी हारने नहीं वाले, उसके लिए लंबा आपको इंतजार करना होगा। रोमन रेंस सोलो सिकोवा से हारेंगे, पर मेरे ख्याल से 1 या 2 साल बाद वो हारेंगे। फिलहाल भाई जब रोमन रेंस वापस आएंगे तो भाई रोमन रेंस सोलो सिकोवा को धो देने वाले मार, क्योंकि भाई अभी फिलहाल भाई रोमन रेंस को सोलो सिकोवा को फेस नहीं करना, रोमन रेंस को रेसलमेनिया 41 के अंदर रॉक को फेस करना। जब इनको रॉक को फेस करना तब भाई सोलो सिकोवा को बहुत इजीली हरा देंगे। बात बहुत सिंपल है भाई, रोमन रेंस बहुत सारे रेसलर से हारेंगे, पर भाई इनका हालत जॉन सीना जैसा होने नहीं वाला। देन इसको नेक्स्ट सवाल आदर्श की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल है, क्या जेकब फाटू फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनेंगे? देखो भाई मैं अगर आपको सही बताऊं तो भाई मुझे अभी करंट टाइम में जेकब फाटू को लेकर डाउट हो रहा है। जेकब फाटू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन मेरे ख्याल से काफी लंबे टाइम बाद वो बनेंगे। बात को समझो भाई, अभी जेकब फाटू किसके अंडर काम कर रहे? अभी वो सोलो सिकोवा के अंडर काम कर रहे हैं। अभी डब्ल्यूई वालों का भाई फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? अभी सोलो सिकोवा को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन उनको बनाना फर्स्ट प्रायोरिटी है। सबसे पहले भाई सोलो सिकोवा डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनेंगे, और मतलब जेकब फाटू उनके अंडर काफी लंबे टाइम तक काम करेंगे। जैसे रोमन रेंस जब चैंपियन थे तो उनके अंडर सोलो सिकोवा लगभग 2 साल तक उनके अंडर काम किए थे। अभी ये बहुत लंबा प्रोसेस है भाई, अभी सोलो सिकोवा चैंपियन बने भी नहीं, अभी सोलो सिकोवा चैंपियन बनेंगे उनका टाइटल रेन हमें लंबा देखने को मिलेगा। फिर बाद में जाकर जेकब फाटू जो कि सोलो सिकोवा के अंडर काम कर रहे हैं, मतलब वो सोलो सिकोवा के अगेंस्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको सोलो सिकोवा जेकब फाटू के बीच में आपको फाइट देखने को मिलेगा, जहां जेकब फाटू सोलो सिकोवा को डिफीट कर देंगे। तो ये काफी लंबा प्रोसेस होने वाला भाई। मेरे ख्याल से अभी सोलो सिकोवा भाई 2026 के अंदर शायद से चैंपियन बनेंगे। आप लोग 2027-28 में अभी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मतलब जेकब फाटू जाकर चैंपियन बन सकते। अभी फिलहाल भाई कोडी रोड्स चैंपियन है, कोडी रोड्स 2025 तक चैंपियन रहने वाला है। देन इसके बाद इनको रैंडी ऑर्टन हराने वाले, जब रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को हराएंगे तो रैंडी ऑर्टन भी काफी लंबे टाइम तक चैंपियन रहने वाले। देन इसके बाद भाई शायद से रैंडी ऑर्टन को सोलो सिकोवा हरा सकते हैं, या फिर रैंडी ऑर्टन को रोमन रेंस वापस से हरा सकते हैं। ये काफी लंबा प्रोसेस है भाई, फिलहाल हम लोग को सोलो सिकोवा के बारे में सोचना चाहिए, जेकब फाटू के बारे में उसके बाद डब्ल्यू वाले सोचेंगे। ऐसे फिलहाल भाई इसी स्मैकडाउन के ऊपर आपको जेकब फाटू और टामाटोंगा आपको टैग टीम चैंपियन आपको बनते हुए दिखने वाले, इनका टाइटल रेन मेरे ख्याल से काफी लंबा होने वाला। कंडीशन ये भी है कि अगर जेकब फाटू अगर सोलो सिकोवा को धोखा दे दे, मतलब तब हो सकता कुछ न कुछ गड़बड़, क्योंकि भाई जेकब फाटू भी सोलो सिकोवा को धोखा दे सकते हैं, इसका भी करंट है बहुत सारे रूमर आ रहे हैं। तो फिलहाल भाई आप लोग समर स्लैम का वेट करो, समर स्लैम के बाद ही आपको रियल गेम आपको समझ में आएगा। देन इसको नेक्स्ट सवाल एकेएस की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल है, क्या जॉन सीना अगले साल इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बनेंगे? साथ ही साथ क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन वो बनेंगे? क्योंकि भाई 2025 के अंदर ये दोनों ही चैंपियंस बेल्ट जॉन सीना को विन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियंस बेल्ट के बारे में बात करें, जो कि अभी करंट टाइम में सैमी ज़ेन के पास है, जाके समर स्लैम के अंदर शायद से ब्रॉन ब्रेकर के पास आ सकता है। तो ये चैंपियंस बेल्ट जॉन सीना को विन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इससे जॉन सीना ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएंगे। ऑडियंस भाई जॉन सीना को ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनते हुए देखना चाहते, क्योंकि भाई ये मतलब बहुत बड़ा एक ऑनर होता है। दूसरी चीज भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियंस बेल्ट के बारे में बात करें, जो कि अभी करंट टाइम में कोडी रोड्स के पास है, बाद में जाकर रैंडी ऑर्टन के पास पहुंचे। ये चैंपियंस बेल्ट भाई जॉन सीना को विन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई इससे जॉन सीना 17-time वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और करंट टाइम भाई सारे लोग इसी को मना रहे हैं कि किसी तरीके से जॉन सीना 17-time वर्ल्ड चैंपियन किसी तरीके से बन जाए। विन करने के बारे में तो भाई दोनों चैंपियंस बेल्ट के बारे में रूमर आ रहा है कि दोनों चैंपियंस बेल्ट जॉन सीना अगले साल विन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से भाई अगर इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियंस बेल्ट अगर नहीं हुए, फिर भी भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन जरूर से बनने वाले हैं। इस बात को 200% कंफर्म मान लो कि जॉन सीना 17-time वर्ल्ड चैंपियन 100% बनने ही वाले अगले साल। कॉन्टिनेंटल चैंपियंस बेल्ट को लेकर थोड़ा सा डाउट है, डब्ल्यू वाले बनाती या फिर नहीं बनाती उनके ऊपर डिपेंड होता है। इसको नेक्स्ट सवाल बॉसी की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल है, जब गुंथर हैवीवेट चैंपियन बन जाएंगे तो उसके बाद उनका स्टोरी लाइन क्या चलने वाला है? भाई गुंथर मेरे ख्याल से जब डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन जब बन जाएंगे तो भाई मेरे ख्याल से रेसलमेनिया 41 से पहले हारने नहीं वाले। जो भी रेसलर रॉयल रमल विन करेगा मेरे ख्याल से वो चैलेंज करने वाला गुंथर। करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर मैच जो कंसीडर किया जा रहा है, एक फेटल फोर वे मैच कंसीडर किया जा रहा है। मैच के अंदर गुंथर, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक और ड्रू मैकएंटायर चारों कम्पीट करने वाले। अगर ये मैच नहीं होता तब भाई ये रूमर है कि ड्रू मैकएंटायर रॉयल रमल अगले साल का विन करके सीधे फेस करेंगे गुंथर को। ड्रू मैकएंटायर गुंथर को हराने वाला रेसलमेनिया 41 के अंदर, ये चीज मतलब कंफर्म माना जा रहा है। फाइनल बात है कि भाई ड्रू मैकएंटायर के पास टाइटल फिर से वापस आने वाला, जो टाइटल रेसलमेनिया 40 के अंदर वो हारे थे, और ये चीज फिक्स है। आप लोग इसको 90% कंफर्म मान सकते हो, ड्रू मैकएंटायर को मोमेंट फिर से मिलने ही वाले। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले
फेटल फोर वे मैच करे चाहे डब्ल्यू वाले मतलब सिंगल मैच करे। वैसे एक और कंडीशन यहाँ पर जरूर से हो सकता है, अगर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न समर स्लैम या फिर उसके बाद देखने को मिल जाए तो उनका रिवलरी हमें गुंथर के साथ देखने को मिल सकता है। हाँ, इसका चांसेस थोड़ा सा कम है क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर का जो केस है करेंट है वो कुछ ज्यादा पेचीदा और चल रहा है। देन इसका नेक्स्ट सवाल किंग की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है रोमन रेंस समर स्लैम के अंदर नहीं रिटर्न करो जाकर सीधे रॉयल रंबल विन कर जाए तो क्या होगा। देखो सबसे पहले भाई रोमन रेंस का जो रिटर्न जो है आपको रॉयल रंबल के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको समर स्लैम के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। मतलब आज के दो दिन बाद ही आपको रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिलेगा। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि भाई इनका मैच होने वाला सर्वाइवल सीरीज के अंदर। इस प्लान को भाई डब्ल्यू वाले किसी भी तरीके से कैंसिल नहीं करने वाले। करंट में भाई पूरा सोशल मीडिया करंट में रोमन रेंस का रिटर्न का इंतजार कर रहा है। डब्ल्यू वाले भाई इतना बड़ा धोखा हमें नहीं दे सकते, नहीं तो भाई ये कंपनी ही बंद हो जाएगा, पूरा कंपनी को ही सारे लोग बायकॉट करना शुरू कर देंगे। सोशल मीडिया का जमाना और डब्ल्यू वालों को भाई मतलब पूरी तरीके से पता है यहाँ पर सोलो सिकोवा कोडी रोड्स का मैच क्यों रखा गया। भाई आप लोग ऐसा समझो कि जैसे रोमन रेंस का किसी भी रेसलर के साथ मैच होता था तो हम लोग को पता था भाई रोमन रेंस ही विन करेंगे। तो उसी तरीके से भाई जब समर स्लैम जब पीपीपी हो रहा है तो भाई हम लोग को मान लेना चाहिए कि हाँ यहाँ पर रोमन रेंस का रिटर्न ही हमें देखने को मिलेगा। वालों के पास सेकंड कोई भी ऑप्शन नहीं, उनको रोमन रेंस को लाना ही होगा किसी भी हाल में। खासकर भाई रोमन रेंस को रॉयल रंबल विन करने का कोई सेंस नहीं बनता, ये मतलब उस रेसलर की रहता है जिसको मौका नहीं मिल रहा। रोमन रेंस के लिए ऐसा कोई सीन नहीं भाई, इनका स्टोरी लाइन ही इतना मतलब कमाल का है कि मतलब ये किसी भी रेसलर को डायरेक्ट रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर फेस कर सकते हैं। रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के स्टोरी लाइन का बात करो, रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा के स्टोरी लाइन का बात करो, या फिर रोमन रेंस वर्सेस रॉक के स्टोरी लाइन का बात करो, रोमन रेंस बेसिकली रॉयल रंबल नहीं विन कर रहे हैं। ड्रू मैकइंटायर का मुझे पर्सनली चांसेस थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर भाई जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है ये चीज ऑडियंस को बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। देन इसका नेक्स्ट सवाल मिठू के तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल अभी से रोमन रेंस आखिर कितने मैच के अंदर फाइट करने वाले, बाद में जाकर रोमन रेंस पासिंग द टॉर्च कर देंगे, मतलब किसी और रेसलर को अपने जगह पर सुपरस्टार बनाकर वो चले जाएंगे। तो देखो मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ भाई, रोमन रेंस यार मेरे ख्याल से आपको 2030 तक आपको शायद से ऐसे देखने को मिल सकता है। मतलब अभी आपको रोमन रेंस 5-6 साल भाई आपको कम से कम आपको देखने को मिलने वाला है। आप जैसा समझ रहे हो भाई ऐसा आपको रोमन रेंस देखने को नहीं मिलेगा, रोमन रेंस जॉन सीना जैसा आपको देखने को मिलेगा। रोमन रेंस को भाई करंट टाइम में हॉलीवुड के अंदर जाना भाई सबको ये बात पता है, रोमन रेंस के भाई रॉक ऑलरेडी हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार है। ऊपर से भाई रोमन रेंस का फैन फॉलोइंग, रोमन रेंस का पर्सनालिटी उनको सच में हीरोइक रूप मतलब उनको हीरोइक लुक उनको देता है। रोमन रेंस भाई हॉलीवुड के अंदर जाने वाले 2-3 साल के अंदर ये चीज मतलब कंफर्म है। और डब्ल्यू ई कंपनी को भाई क्विट पूरी तरीके से नहीं करेंगे, और डब्ल्यू ई कंपनी के अंदर आने वाले मैच रेसल करके वापस हॉलीवुड के अंदर चले जाने वाले। जैसे आप लोग करंट टाइम में जॉन सिन्हा को देख रहे हो, मतलब 2-3 साल बाद रोमन रेंस का वही सेम हाल हो जाएगा, और फिर जाकर 2030 के राउंड भाई रोमन रेंस पासिंग द टॉर्च करके मतलब डब्ल्यू ई कंपनी से चले जाएंगे। आपको जिस तरीके से जॉन सिन्हा का 2025 के अंदर आपको रिटायरमेंट टूर देखने को मिल रहा है, उसी तरीके से रोमन रेंस का भी देखने को मिल सकता है। हाँ जॉन सिन्हा भाई बहुत अच्छे इंसान है, तो भाई जॉन सिन्हा बहुत सारे मैचेस रेसल करने वाले, पर रोमन रेंस 1-2 मैच से ज्यादा नहीं रेसल। तो जो भी हो भाई 2030 तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ट्रैवल शिप आपको कंपनी के अंदर देखने को मिले। 2030 आते आते तक आपको नए चेहरे कंपनी के अंदर देखने को मिलेंगे, उस टाइम पर रोमन रेंस का साथ से जरूरत भी नहीं। जैसे आप लोग खुद देखो अभी जॉन सिन्हा रिटायर हुए, तो भाई जॉन सिन्हा का भाई अभी कंपनी के अंदर ज्यादा कुछ काम है ही नहीं। रोमन रेंस नया चेहरा, अभी कोडी रोड्स है, ब्रॉक लेसनर है, सोलो सिकोवा है, सेथ रॉलिंस है, सीएम पंक है, बहुत सारा ऐसा नाम है। आप बिलीव करो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप लोग डब्ल्यू ई कंपनी को मतलब देखना ही, डब्ल्यू ई शो को देखना ही बंद कर दोगे, या फिर मतलब आपको बहुत सारा नया चेहरा उस टाइम पर देखने को मिलेगा। एग्जांपल के तौर पर आज के 10-12 साल पहले से जो रेसलिंग देख रहे हो उनको पता होगा, उनको ये लगता था कि जॉन सिन्हा के बिना हम लोग रेसलिंग देख ही नहीं सकते। ऐसा होता है भाई, हर 10 साल के बाद डब्ल्यू ई कंपनी का एरा चेंज होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट सवाल अनु सिंह की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल है क्या रोमन रेंस हॉलीवुड के अंदर सक्सेसफुल बन पाएंगे। तो यार डेफिनेटली यार रोमन रेंस भाई हॉलीवुड के अंदर 200% मतलब सक्सेसफुल भाई ये होंगे ही होंगे। उसके पीछे का भाई बहुत सिंपल रीजन है भाई, रोमन रेंस को अच्छे अच्छे फिल्म मिलने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और मेरे ख्याल से कितने बड़े आप एक्टर हो ये डिपेंड नहीं करता, उस फिल्म का बजट कितना, उस फिल्म का स्टोरी लाइन कितना अच्छा, मतलब उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। रोमन रेंस हो गए या फिर जॉन सिन्हा हो गए भाई, इनको हॉलीवुड के अंदर ऐसा बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, स्टोरी लाइन इनको बड़ा मस्त मस्त मिलेगा। रोमन रेंस भाई हॉलीवुड के अंदर टॉप है भाई। अब जॉन सिन्हा गए थे तो भाई जॉन सिन्हा ने कुछ भी स्ट्रगल वगैरह कुछ भी नहीं किया था, इनको डायरेक्ट फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म में काम मिला, इनको डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मर फिल्म में काम मिला। जॉन सिन्हा का लिटरली बहुत सारा फिल्म देखो तो मुझे पता भाई कितने बड़े बड़े फिल्म में जॉन सिन्हा काम। तो ये सारा चीज इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि भाई जॉन सिन्हा एक बहुत बड़ा नाम थे रेसलिंग वर्ल्ड का, ऑलरेडी यूएसए के अंदर एक बहुत बड़े नाम। तो रोमन रेंस के साथ भी भाई सेम चीज वर्क करेगा, रोमन रेंस अपने आप भाई जाते के साथ सक्सेसफुल हो जाए। ऐसे भाई अब नेक्स्ट Q&A वीडियो भाई अब समर स्लैम के बाद होने वाला, तो भाई देखते हैं क्या होता है समर स्लैम के अंदर। तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, जिन लोगों को मेरे से बात करना है शाम को आ सकते।